राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय महादेव, जय भोलेनाथ, भोले बाबा सभी के ऊपर कृपा करें। आप सभी को सावन के सभी सोमवारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को सावन का जो ये महीना चल रहा है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि अभी जो पूजा में आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, तो ये रुद्राभिषेक का काम चल रहा है। तो रुद्राभिषेक के लिए सबसे पहले शंकर भगवान की मिट्टी की मूर्ति को तैयार कर लिया जाता है, और इसे एक हमारे यहाँ इसे फूल की थाली बोलते हैं, और इसमें शंकर भगवान को विराजमान करते हैं। तो हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे रुद्राभिषेक करने के लिए। इसमें काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि सावन में शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। हालांकि ये पूजा मतलब हम लोग के यहाँ नहीं हुई थी ये पूजा। अगर आपको कहीं भी अगर आपको अटेंड करने का मौका मिलता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसमें शामिल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि रुद्राभिषेक में आप अगर कहीं भी नहीं शामिल हो सकते हैं तो आप जा कर के मंदिर में शामिल हो जाइए, लेकिन आपको सावन के महीने में एक बार रुद्राभिषेक ज़रूर करना चाहिए। तो इससे आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको फल की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं, आपको सब कुछ अच्छा बना रहे उसके लिए रहना चाहिए। हमें शंकर भगवान से, उन्होंने हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, और उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए, कच्चे दूध से, और इससे भोले शंकर की सब पर बहुत कृपा होती है। बेलपत्र आप सभी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र का सावन में शंकर भगवान को चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाना शंकर भगवान को बिल्कुल ना भूलें, और ये जिसे स्नान कराया जाता है इसे हमारे यहाँ श्रृंगी बोलते हैं, तो इससे स्नान कराना चाहिए जब आप रुद्राभिषेक करते हैं उस समय। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग ये रुद्राभिषेक का छोटा सा ब्लॉग है। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।